सो हेलो गेमर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब फैमिली। सो गाइस, आप सभी को नमस्ते और जय जगन्नाथ। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको मैं एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ भाई, जिस कैरेक्टर के मदद से आप अपना जो रैंक होता है बहुत ही तेज़ी से पुश करवा सकते हो। यानी कि उसी कैरेक्टर के मदद से आप अपना रैंक को बहुत ही तेज़ी से हीरोइक पर पहुँचवा सकते हो, एंड साथ में हीरोइक के पास जो आता है ग्रैंड मास्टर, वो भी आप पहुंच सकते हो उसी कैरेक्टर के मदद से। तो गाइस, अगर आप जानना चाहते हो उसी कैरेक्टर के बारे में तो डेफिनेटली आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। इस पूरे वीडियो में आपको मैं पूरा लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा भाई, वो कैरेक्टर कितने काम आएगा आपको ग्रैंड मास्टर पुश करने के लिए। तो डेफिनेटली वीडियो को एंड तक देखते रहो। एंड गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली क्या कर रहे हो भाई, जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, पास वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट करो, एंड साथ ही वीडियो को लाइक कर देना सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो गाइस, चले बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जब रैंक पुश करने की बात आती है तो बहुत सारे बंदे भाई ए कैरेक्टर या फिर डीजालो कैरेक्टर को ही चूज करते हैं, क्योंकि वो दोनों कैरेक्टर बहुत ही बेस्ट कैरेक्टर हुए रैंक पुश करने के लिए। लेकिन 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 यहाँ पर उन दोनों के अलावा और एक भी कैरेक्टर है जिस कैरेक्टर में भाई ऐसा तगड़ा पावर है, तो भाई आप लोग अगर उस कैरेक्टर को यूज़ करोगे तो डेफिनेटली यार आप लोग मतलब के कैरेक्टर क्या, डीजालो कैरेक्टर क्या, उस सभी कैरेक्टर को भूल जाओगे, सिर्फ वही कैरेक्टर को यूज़ करोगे। एंड गाइस, ये जो कैरेक्टर है ना, आप सभी को बिल्कुल फ्री में मिल गया होगा और बहुत सारे बंदे भी उसको लिए होंगे। तो मुझे लगता है भाई, जो सारे बंदे अभी जान चुके हैं मैं किस कैरेक्टर के बारे में बात करने जा रहा हूँ, तो जल्दी से जाके कॉमेंट सेक्शन में जल्दी से स्पैम कर दो, क्योंकि गाइस जिनके पास आलोक नहीं है, जिनके पास के कैरेक्टर नहीं है, बहुत ही लोग मतलब बहुत ऐसे प्लेयर है उसी कैरेक्टर को यूज़ करते हैं जिस कैरेक्टर का नाम है जोता कैरेक्टर। तो गाइस, आप सभी को पता होगा जोता कैरेक्टर के एबिलिटी के बारे में भाई, मतलब डीजे आलोक के कैरेक्टर के जैसा वो कैरेक्टर है भाई। मतलब क्या डीजे आलोक, क्या मतलब उस ऑरा के अंदर आपका एचपी वगैरह इंक्रीज होता है, लेकिन इस कैरेक्टर में भाई अगर आप किसी को एसएमजी या फिर शॉटगन से किल करते हो, इंस्टेंटली आपका 5 सेकंड के अंदर बहुत सारे एचपी रिकवर हो जाता है भाई। अगर प्रूफ देखना चाहते हो मैं आपको सारे प्रूफ दिखा दूंगा, सिर्फ आप दिल पे हाथ थाम के बैठिए, मैं आपको सारे प्रूफ दिखाते जाऊंगा और आपको प्रूफ भी करते जाऊंगा। सो गाइस, जोता कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसमें एक्टिव स्किल नहीं है, लेकिन एक एक्टिव स्किल वाले कैरेक्टर के जो एबिलिटीज़ होते हैं उसी में आप जोता कैरेक्टर को ईजिली यूज़ कर सकते हो। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि भाई डीजे आलोक में जो 4 स्लॉट होते हैं, 1 स्लॉट तो डीजे आलोक का ही है और बाकी 3 का जो स्लॉट है आप कोई भी दूसरे कैरेक्टर के एबिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, जोता कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको आप अपने जो डीजे आलोक कैरेक्टर है उसके साथ कॉम्बिनेशन करके भी खेल सकते हैं। तो गाइस, उससे पहले मैं आपको कन्फर्म कर देना चाहता हूँ कि जोता कैरेक्टर का क्या एबिलिटी है और आपको इसे क्यों यूज़ करना चाहिए, ठीक है गाइस। उससे पहले चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता होगा या फिर अगर आप नहीं जानते हो तो जोता कैरेक्टर के बारे में चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ कि जोता कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसमें एक बहुत ही तगड़ा सा एबिलिटी है। तो गाइस, अगर आप शॉटगन या फिर एसएमजी गन के मदद से अगर आप किसी भी एनिमी को किल करते हो, अगर उसका किल को कंफर्म करते हो, तो आपका 5 सेकंड के अंदर आपका एचपी रिकवर हो जाएगा, बहुत सारे एचपी आपका रिकवर हो जाएगा। तो अगर आप इसको मैक्स लेवल तक अपग्रेड करते हो, यानी कि अगर आप इसको लेवल 8 तक अपग्रेड करते हो, तो आपका 40 एचपी रिकवर हो जाएगा अगर आप किसी एनिमी को शॉटगन या फिर एसएमजी गन से किल कंफर्म करते हो, तो 5 सेकंड के अंदर आपका 40 एचपी रिकवर हो जाएगा। तो भाई मान लो, मतलब अगर आप ये कैरेक्टर के स्किल को अगर डीजे आलोक के साथ कॉम्बिनेशन करके खेलोगे, ठीक है, अगर कॉम्बिनेशन करके खेलते हो, तो भाई अगर आप रश करके किसी बंदे को भाई मार देते हो, कन्फर्मली मार देते हो, उसी टाइम आप डीजे आलोक कैरेक्टर के एबिलिटी यूज़ करोगे, यानी कि आपका एचपी रिकवर होता रहेगा, प्लस आपका मूवमेंट स्पीड भी इंक्रीज होता रहेगा। एंड साथ ही में अगर आप ये कैरेक्टर का उसी के साथ यूज़ करोगे, तो आपका किल कन्फर्म होने के बाद आपका एचपी फटाक से रिकवर हो जाएगा, ठीक है, मतलब बहुत ही तेज़ी से आपका एचपी रिकवर होता रहेगा और आप अच्छे से किल करते रहेंगे, ठीक है। तो गाइस, अभी चले मैं आपको सिर्फ जोता कैरेक्टर के मैक्स लेवल एबिलिटी टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि जोता कैरेक्टर शॉटगन में और एसएमजी गन में कैसा अपना काम करता है, ठीक है। तो चले पहले उसको देख लेते हैं। Thank you.
सो गाइस अभी तो आप लोगों ने देख ही लिया कि अगर आप जूता कैरेक्टर मदद से किसी एनिमी को किल करते हो और उसका कंफर्म करते हो, किल कंफर्म करते हो, तो आपका एचपी कितना तेज़ी से रिकवर हो जाता है। मतलब जितना रिकवर होता था आप उसी टाइम आप दो तीन बंदे को इजीली ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, ये लाइफ प्रूफ तो आप लोगों ने देख लिया। जूता कैरेक्टर कितना काम का कैरेक्टर है और इसका एबिलिटी बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसको सिर्फ मैक्स लेवल तक अपग्रेड कर दे तो ना बहुत ही काम का आने वाला ये कैरेक्टर। तो डेफिनेटली आप लोगों को ये कैरेक्टर यूज़ करना चाहिए। अगर आप सच्ची में रैंक पुश करते हो या फिर ग्रैंड मास्टर के लिए भी पुश करते हो, अगर आप एक रश प्लेयर हो, आप एक टाइम पर एक स्क्वाड को ख़त्म कर सकते हो। यानी कि मेरे गिल्ड का एक बंदा है एस जी वेनम करके, भाई बॉस हर टाइम ये कैरेक्टर को ही लेके खेलता है और उसका देखोगे भाई मतलब कितना तेज़ी से वो क्लास स्क्वाड रैंक पर हीरोइक पहुँच चुका है। मैं मानना पड़ेगा वो बंदा भी रश करता है, एक टाइम पर एक स्क्वाड को ख़त्म करता है और वो भी बंदा हमारा ये जूता कैरेक्टर को ही यूज़ करता है। तो मेरे लिए भाई ये जूता कैरेक्टर फेवरेट कैरेक्टर बन जाता है। तो आपके लिए कौन सा कैरेक्टर बेस्ट है जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हो। एंड गाइस दैट्स ऑल। एंड अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होगा तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो एंड मुझसे जो पूछना हो वहाँ से पूछ सकते हो। एंड साथ ही में डिस्कॉर्ड का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, जाके वहाँ पर हमारे डिस्कॉर्ड को भी ज्वाइन कर लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।